वेलकम गाइस, एचपी z420 वर्कस्टेशन। आप इसकी जो पावर सप्लाई है उसे कैसे निकालें मैं आपको इजीली बता देता हूं। पहले तो आपको इसको इसके चारों स्क्रू खोल लेने हैं। यहां पे इसके स्क्रू होते हैं चार, 1 2 3 4। ये फर्स्ट है यहां से। ये चारों स्क्रू जब आप खोल लेंगे आपके स्क्रू एक जगह इकट्ठे करके रख लेना। ये मैंने स्क्रू खोल रखे हैं। इसके स्क्रू खोलने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे एक लॉक होता है, यहाँ पे इसका एक लॉक होगा, ये आपको प्रेस करना है और इजीली कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इसे आराम से पुश कर सकते हैं। आपको मैं अभी इस वीडियो में दिखा देता हूँ कि वो कैसे पुश होगा। पहले आपको जो है इसके स्क्रू खोल लेने हैं। जब आप स्क्रू खोल लेंगे तो इसे आराम से पुश करेंगे और इधर से आपको धकेलना है इस साइड को, ठीक है। इजीली आप प्रेस करोगे और ये आपकी सप्लाई बाहर आ जाएगी। और आपको जो है यहाँ पे फिर इसे आराम से रख दें आप और ये नॉर्मली फिट हो जाएगा। पहले इसका एक पॉइंट इधर है और दूसरा पॉइंट ये ए, यहाँ से आप खोल लें और एक लॉक आप यहां से खोल ले तो आपका इसको प्रेस करने के बाद ये इजीली निकल जाएगा। और आपको इसकी रैम निकालने के लिए यहां पे एक लॉक दिया होता है, ये आपको अब दिख रहा होगा, ये लॉक यहां पे दिया हुआ है। इसको आपको प्रेस करना है ऐसे इजीली और ये कैप इजीली बाहर आ जाएगी और आप रैम निकाल सकते हैं। और फिर सेम तरीके से जो आपका फ़ैन लगा हुआ है मशीन में उसके साथ इसको ईजीली फिट कर देना और सेट कर देना। यहाँ पे दो पॉइंट होते हैं, इन दोनों पॉइंट के अंदर इस पॉइंट को फिट करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग व्यूवर्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना।